तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज दिन का दूसरा वीडियो अपलोड है क्योंकि कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज मेरे सामने भी आई है। सुबह मैंने अपने ट्विटर अकाउंट में एक ट्वीट डाला था कि 59 ऐप्स के बाद अब 275 ऐसी ऐप्स हैं जो गवर्नमेंट के रडार पे हैं। हालांकि ये ट्वीट करने के आधे पौन घंटे बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन जारी कर दी कि 47 ऐप्स आज और बैन कर दिए गए और स्पेशली पबजी को अंडर रिव्यू रखा गया है। पबजी के साथ अलीबाबा की भी जो एक अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा है और ऐसी कुछ नई 225 ऐप्स के आसपास ये अंडर रिव्यू में रहे। हो सकता है इन केस हो सकता है कि शायद ही पबजी मोबाइल पे इंडिया में बैन लग सकता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन सवाल ये हो चुका कि आखिर पबजी मोबाइल पे बैन लगेगा या पबजी में बैन लगेगा। मैं आपका इसी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि आखिर किस चीज़ पे बैन लगेगा। पबजी अलग है और पबजी मोबाइल अलग है। अगर मैं कंफ्यूजन्स की बात उतरूँ तो बेसिकली सच ज्यादा है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पबजी चाइनीज कंपनी है, कुछ कह रहे हैं पबजी कोरियाज कंपनी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी मोबाइल और पबजी के बारे में और आखिर किन कारणों की वजह से इस पबजी मोबाइल पर बैन लग सकता है इंडिया में। सबसे पहले हम दूर करेंगे कंफ्यूजन पार्ट कि आखिर ये पबजी या पबजी मोबाइल क्या है। अगर मैं पबजी की बात करूं तो पबजी एक कोरियाई गेम है जो ब्लू होल कंपनी ने इसे बनाया था 2008 के आसपास, मतलब उससे पहले बनाया था। ये पीसी वर्जन बनाया था और ये पीसी वर्जन अपलोड किया था, बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हुआ था। इसके बाद टेंसेंट ने ब्लू होल से इसके कुछ राइट्स और कुछ स्टेक्स खरीद के पबजी मोबाइल को डेवलप किया था मोबाइल वर्जन के लिए। इसके बाद ये पॉपुलर हुआ था। अब अगर हालांकि अगर आप पबजी मोबाइल ओपन करते हो गए तो वहां पे एक टेंसेंट करके पब्लिशर का नाम आ रहा होगा। तो यहां पे एक कंफ्यूजन हुआ कि पबजी एक कोरियाइज कंपनी है और पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट ये एक टेंसेंट कंपनी यानी चाइनीज कंपनी है और चाइनीज कंपनी के द्वारा ही ऐप इंडिया में रन किया जाता होता है। अब दूसरा कारण है कि इस वाले ऐप्स में ऐसे क्या प्राइवेसी इशू है, आखिर किन वजह से गवर्नमेंट ने इसे अंडर रिव्यू रखा है। अगर इस वाले ऐप्स की मैं प्राइवेसी इशू की बात करता हूँ तो जब कभी भी आप इस ऐप में साइन इन करते हैं, अब जब अपनी परमिशंस देते हैं तो यहाँ पे जब एग्री करने के लिए आपसे ऐप्स मांगती है कि एक कॉलम आता है कि हम कि मतलब आपका डेटा पबजी मोबाइल किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ शेयर कर सकती है और ये अश्योर लेती है कि वो थर्ड पार्टी जो भी हो वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा माइट मिस्टेक है कि यह पबजी मोबाइल जो हमारा डेटा है वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर करती है। दूसरा इसका सर्वर का इशू है क्योंकि इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है कि हमारा जो डेटा सर्वर है, जो इंडियन यूजर्स के डेटा सर्वर इंडिया में ही है और इसका जो डेटा स्टोर होता है इंडिया में, लेकिन इंटरनेट के द्वारा डेटा आता जाता है तो अगर कोई भी चीज़ इंटरनेट में आ जाती है तो बेसिकली वो सिक्योर नहीं होती है। तो यहाँ पे भी एक रिस्क है इस वाले ऐप को मतलब पबजी मोबाइल को बैन करने के लिए इंडिया में। एक बहुत ही ठोस कारण है क्योंकि कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी कहती है कि हमारा सर्वर इंडिया में है और इंडिया के यूजर्स का डेटा इंडिया में सिक्योर करते हैं और दूसरे सर्वर इसके सिंगापुर और अमेरिका में भी है। मतलब इन लोगों ने अलग अलग जगह डेटा सेंटर बनाए हुए हैं, सर्वर डेटा सेंटर यूजर्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्लस हमारा जो डेटा होता है वो कलेक्ट करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ एक बार इंटरनेट में आ जाती है तो सिक्योर नहीं होती और चाइना में यह एक रूल है, प्राइवेसी रूल्स है कि कोई भी डेटा जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन के लिए यह चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकती हैं। तो यहाँ पर भी एक रिस्क है, प्राइवेसी का भी इशू है इस वाले ऐप में, प्लस पबजी मोबाइल में यूजर्स के थर्ड पार्टी शेयरिंग का भी एक इशू है क्योंकि कंपनी क्लियर कहती है कि हम आपका डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकते हैं और आपको एक प्रॉमिस करते हैं कि वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ डिस्क्लोज ना करे। तो मतलब एक बार अगर थर्ड पार्टी के साथ ये डेटा शेयर हो चुका तो बेसिकली थर्ड पार्टी भी किसी के साथ शेयर कर सकती है, तो यहाँ पे एक रिस्क है। अब सबसे बड़ा पॉइंट है इसका सिक्योरिटी इशू क्या आता है इसमें। सिक्योरिटी इशू इसमें यह आता है कि इसका जो डेटा है वो अपने सर्वर अलग अलग तरह के डेटा सेंटर सर्वर्स बनाए हुए हैं, जैसे इंडिया यूजर्स के लिए इंडिया में डेटा सर्वर है। ये अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी पॉलिसी है जो इन्होंने पबजी मोबाइल लाइट के वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट में दी गई है। तो इन
चार चीज पांच चीजों की वजह से यह वाले ऐप पबजी मोबाइल को इंडिया में गवर्नमेंट बैन कर सकती है। अब देखते हैं क्या होगा। वैसे आपको बता दूं, जो आज 47 ऐप्स बैन हुए, ये वही ऐप्स है जो 59 ऐप्स के कुछ क्लोन बनाए गए थे, जैसे टिकटॉक वगैरह जो उनके क्लोन बनाए गए थे, उन्हीं ऐप्स को बैन किया गया। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई लिस्ट शेयर नहीं की है। जैसे ही लिस्ट आती है, मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको और पिन कमेंट में लिस्ट को शेयर कर दूंगा। अगर आपने उन ऐप्स को इंस्टॉल किया हो तो फौरन ही उन्हें उड़ा देना। तो बस फिलहाल इतना था इस वाले वीडियो में। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई इस वाली वीडियो में तो प्लीज इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। बाकी अगर इस वीडियो में आपका कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो या फिर कोई शिकायत हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।